अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुल्तानी स्टूडियो 007। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम जो टॉपिक बात करने वाले हैं कटाका एप्लीकेशन के मतलब, कि उसके जो बेसिक पॉलिसी है, ठीक है, मेन पॉलिसी है टाका एप्लीकेशन की, न्यू पॉलिसी जो है वो क्या है और वो कैसे वर्क करती है और आप उस पर कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज की समझ आ जाए और ना कि आपको ऐसा हो कि फिर आप बोलें कि हमें सर समझ नहीं आई, ये हुआ वो हुआ, कमेंट करने से पहले, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें ताकि अगर कुछ आपको समझ नहीं आता तो फिर आप मुझे कमेंट करें कि सर हमें इस चीज की समझ नहीं आई, आप वो चीज भी हमें बता दें तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ओपन है, ठीक है, टका पॉलिसी मेरे पास ओपन है, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नंबर वन पे एजेंसी मेन पॉलिसी की, ठीक है। तो यहाँ पे जो एजेंसी का मेन पॉलिसी है, ठीक है, वो है बेसिक कमीशन फ्रॉम द होस्ट। होस्ट के पीछे से जो आपको आएगा कमीशन वो आपको आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक कमीशन जो होता है, ठीक है, उसका है यू आर होस्ट बेसिक इनकम और उसका प्लस कमीशन रेट होगा, ठीक है। उसके बाद होस्ट बेसिक इनकम इक्वल होगा होस्ट गिफ्ट इनकम प्लस होस्ट कॉल इनकम के, ठीक है। कॉल और गिफ्टिंग की जो इनकम होगी उसके पीछे भी आपको कमीशन यहाँ पे आएगा और कमीशन रेट रेफर बाय यू आर वैलिड इनकम, ठीक है। जो आपने उनको सेंड नहीं की होगी, रेफर किया होगा, उसकी जो इनकम होगी उसका भी कमीशन रेट आपको आएगा। और कितना आएगा अब हम ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। यह चार्ट मेरे पास ओपन है। अगर लेवल ई की बात करें तो 0 से लेके 1 मिलियन तक की अगर आपके एजेंसी में सेंडिंग होती है तो आपको यहाँ पे आता है 4% का, ठीक है, 4% आपको कमीशन आता है। 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक अगर आप लोगों की इनकम होती है तो आपको यहाँ पे आता है 8%, ठीक है। उसके बाद 5 मिलियन से लेकर 30 मिलियन तक अगर आपकी एजेंसी की इनकम होती है तो आपको आता है 12%, ठीक है। उसके बाद अगर बी लेवल पे बात करें तो 30 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक अगर आपकी एजेंसी की इनकम होती है तो आपको आता है 60%। और ए लेवल पे अगर आप लोगों की एजेंसी जो वैलिड अर्न बीन्स होंगे, इनकम होगी, ठीक है, उसका जो 100 मिलियन प्लस होगा तो आपको यहाँ पे कमीशन रेट मिलेगा 20%, ठीक है। और ये कैसे आएगा तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। वैलिड इनकम क्या है? ऑल होस्ट बेसिक इनकम प्लस ऑल एजेंसी सेल्फ इनकम, ठीक है। जो गिफ्टिंग होगी उसको वैलिड इनकम यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैलिड इनकम है वो है यहाँ पे ऑल होस्ट बेसिक इनकम काउंट्स होस्ट हु बीइंग टू यू एंड बिलोंग टू यू एंड ऑल एजेंट्स इन यू आर इन्वाइटेड लिंक ए बी सी डी, यानी डी तक आपके इन्वाइटेड लिंक से जो एजेंट्स होंगे वो आपकी तरफ उनका कमीशन आएगा, ठीक है। यानी कि ये आप हैं यू, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपने इन्वाइट किया एजेंसी ए को और ए ने इन्वाइट किया एजेंसी बी को और एजेंसी बी ने इन्वाइट किया सी और डी को, तो इनकी कुल मिला के इनकम और आपके एजेंसी की इनकम मिला के आपको कमीशन रेट यहाँ पे आता है। और यहाँ पे नंबर टू पे हम बात करते हैं यहाँ पे एजेंसी लेवल अप पॉलिसी की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे जो आ जाता है यहाँ पे देखिए लेवल रैंकिंग बोनसेस एंड अपग्रेड बोनसेस, ठीक है। यहाँ पे जब आपकी एजेंसी स्टार्ट में होगी तो आपका 0 लेवल होगा एजेंसी, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें आयरन एजेंसी, सबसे नीचे वाली जो एजेंसी है ये वाली, ठीक है, ये वाली एजेंसी ये आयरन एजेंसी है, ठीक है। तो आयरन एजेंसी के लिए आपको जो होगा फर्स्ट टाइम अपग्रेड आपकी एजेंसी होगी तो आपको मिलेगा $10, ठीक है। रैंकिंग बोनस आपको मिलेगा यहाँ पे $1,090, ये मिलेगा इस आयरन एजेंसी को, ठीक है। और इसके बाद है ब्रॉन्ज एजेंसी, ठीक है। ब्रॉन्ज एजेंसी जो है वो अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपग्रेड होती है तो उसको मिलेगा $40 का बोनस, ठीक है। और उसके बाद जो रैंकिंग बोनस होगा वो होगा $1,990, जो उसका होगा ब्रॉन्ज एजेंसी का रैंकिंग बोनस होगा। देन इसके बाद आ जाता है सिल्वर एजेंसी, ठीक है।
सिल्वर एजेंसी पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपग्रेड बोनस जो होगा वो $100 होगा, ठीक है। इसके बाद जो रैंकिंग बोनस होगा वो $4,950 जो होगा वो रैंकिंग बोनस यहाँ पे इसको मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद आ जाएं यहाँ पे गोल्डन एजेंसी, ये सबसे बड़ी एजेंसी है, ठीक है। फर्स्ट टाइम अपग्रेड बोनस जो होगा वो $350 का यहाँ पे इसको बोनस मिलेगा फर्स्ट टाइम अपग्रेड होने पर, और रैंकिंग बोनस जो होगा वो $9,750 होगा गोल्डन एजेंसी को। अब ये एजेंसी बनेगी कैसे, गोल्डन एजेंसी हम अचीव कैसे करेंगे, इस टॉपिक पे बात करते हैं। यहाँ पे आ जाए तो स्टेप वन, आपने यहाँ पे मी वाले बटन पे क्लिक करना है, कैसे चेक करना है आपने। देन इसके बाद स्टेप टू आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, आपने एजेंसी सेंटर पे क्लिक करना है, ठीक है। एजेंसी सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टेप थ्री में आप देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एजेंसी लेवल, ठीक है, आपने जस्ट इस पे क्लिक कर देना है। एजेंसी लेवल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाता है नॉर्मल एजेंसी, ठीक है, दिस वीक, और दिस वीक में जो आपके एजेंसी का ई एक्स पी पॉइंट होंगे वो कैसे बनेंगे वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। यहां तक ये चीजें हो गई क्लियर, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहां पे अगर हम बात करें तो नंबर वन पे है फोर एजेंसी लेवल्स, आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्डन, ठीक है। नंबर टू, ईच लेवल विल हैव फर्स्ट टाइम अपग्रेड बोनस, हर लेवल पे आपको फर्स्ट टाइम अपग्रेड करने पे बोनस मिलेगा, एंड वीकली रैंकिंग बोनस, और वीकली रैंकिंग बोनस मिलेगा, आपकी एजेंसी रैंक में करती है, रैंक करती है तो आपको इसका भी वीकली बोनस यहां पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आ जाए एजेंसी वीकली रैंकिंग बोनस कितना होगा और कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चार्ट में बात करते हैं एजेंसी लेवल रिक्वायरमेंट्स एंड अपग्रेड बोनस, लेवल विल बी डिटरमाइंड ईच नेचर वीक, हर हफ्ते में इसका जो होगा वो आपको अपग्रेड का जो होगा डिटरमाइंड यानी डिस्ट्रीब्यूशन इनका होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेवल वन आयरन एजेंसी की अगर बात करें तो इसमें वीकली टोटल गिफ्ट इनकम आपके अगर एजेंसी की जीरो होती है और वैलिड वीडियो होस्ट अमाउंट जो आपके होस्टों की जो तादाद होती है वो 5 होती है तो यहाँ पे आपको एजेंसी को अपग्रेड बोनस मिलेगा $10 का, ठीक है। उसके बाद लेवल टू है ब्रॉन्ज एजेंसी, ठीक है, यहाँ पे वीकली टोटल गिफ्ट इनकम जो होगी वो 40S की होगी तो यहाँ पे वैलिड वीडियो होस्ट अमाउंट यानी कि वैलिड वीडियो होस्ट जो होंगे आप जो लाइव कर सकते हैं बैठ सकते हैं उनकी तादाद 10 होगी तो एजेंसी को यहाँ पे अपग्रेड बोनस जो मिलेगा वो मिलेगा 40S यानी $40 यहाँ पे उसको बोनस मिलेगा। और सिल्वर एजेंसी जो है सिल्वर एजेंसी को यहाँ पे उसकी जो वीकली टोटल गिफ्ट इनकम होगी $100 की होगी और उसके बाद उसके पास जो होगा वैलिड वीडियो होस्ट अमाउंट यानी कि 20 वैलिड वीडियो होस्ट होने चाहिए और उसको अपग्रेड बोनस मिलेगा $100 का, ठीक है। उसके बाद गोल्डन एजेंसी पे आ जाएं तो वीकली टोटल गिफ्ट इनकम जो होगी $350 की होगी और वैलिड वीडियो होस्ट अमाउंट वैलिड वीडियो होस्ट जो होंगे वो होंगे 30 तो एजेंसी को अपग्रेड बोनस मिलेगा $350 का। और ये कैसे होगा ये भी हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए यू कुड एड ऑडियो होस्टस एज वेल, वन वैलिड वीडियो होस्ट इज इक्वल 5 ऑडियो होस्टस, ठीक है। आप अगर 5 होस्ट जो है यहाँ पे ऐड करते हैं ऑडियो वाले जो ऑडियो ब्रॉड करते हैं और एक होस्ट वीडियो वाला आप ऐड करते हैं तो वो 5 होस्टों के ऑडियो वाले होस्टों के बराबर होगा। वैलिड होस्ट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, वैलिड होस्ट कौन से होंगे मेल या फीमेल, फीमेल होस्ट होना चाहिए एक तो, दूसरे नंबर पे लाइव फॉर एट लीस्ट 12 आवर अ वीक, एक हफ्ते में उसको 12 घंटे लाइव करने चाहिए। उसके बाद लाइव फॉर मोर देन 1 आवर फॉर 4 डेज इन अ वीक, और होस्ट को चाहिए कि एक हफ्ते के अंदर यानी कि 4 एक हफ्ते के अंदर 4 दिन इसको लाइव करना है और कम से कम 1 घंटे से ज्यादा लाइव करना है, ठीक है। ये चीजें एक वैलिड होस्ट के लिए हैं। यहाँ पे आ जाए एजेंसी वीकली रैंकिंग बोनस जो है वो क्या है, ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आयरन एजेंसी वीकली रैंकिंग रिवार्ड जो होगा, रैंक में अगर एक रैंक से लेकर 3 नंबर तक एजेंसी आती है तो उसको रिवार्ड बीन्स यहाँ पे मिलेंगे $4,00,000 यानी कि $40 और 4 से लेके 100 नंबर तक जो भी एजेंसी होगी उसको मिलेगा यानी कि $1,00,000, ठीक है, $1,00,000 कॉइन यानी $10 उसको यहाँ पे ये रिवार्ड मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं ब्रॉन्ज एजेंसी में, ठीक है, यहाँ पे देखिए
ये वाले, ये है ब्राउन एजेंसी, ठीक है। ब्राउन एजेंसी में अगर वीकली रैंकिंग रिवार्ड की बात की जाए तो यहाँ पे रैंक एक से लेकर तीन रैंक पर आने पर जो एजेंसी को रिवार्ड मिलेगा वो मिलेगा 10 लाख का, ठीक है, यानी कि $100 का। और 4 से 10 नंबर पर जो एजेंसी आएगी उसको मिलेगा यहाँ पे 70, यहाँ पे 7 लाख का, ठीक है। और ये बनता है तकरीबन $70, ये बनते हैं ये $70 का, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आ जाएं तो यहाँ पे 11 से लेके 40 तक रैंकिंग में जो एजेंसी होगी उसको मिलेगा यहाँ पे 4 लाख का, ठीक है, यानी $40 का रिवार्ड। ये रैंकिंग रिवार्ड हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं सिल्वर एजेंसी की, यहाँ पे आ जाए, ये सिल्वर एजेंसी है, रैंक 1 से लेके 3 रैंक तक जो भी एजेंसी होगी उसको मिलेगा यहाँ पे 35 लाख कॉइन्स का रिवार्ड, ठीक है, यानी $350 का। और रैंक में 4 से लेके 10 नंबर पर जो एजेंसी होगी उसको मिलेगा 20 लाख, यानी $200 का। और 11 से 35 नंबर पर रैंकिंग पर जो एजेंसी होगी उसको मिलेगा 10 लाख का, ठीक है, यानी $100 का। और अभी हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे गोल्डन एजेंसी पे, नंबर 1 रैंक 1,50,00,000 का रिवार्ड बीन्स का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये समथिंग 10 लाख हो तो $100 बनता है, ठीक है, ये 100 लाख, 1,000 और कितना आपको ये काउंट कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो 2 से 3 रैंकिंग पर जो होगी उसको 1 करोड़ का रिवार्ड मिलेगा, यानी 1,000 में भी डॉलर बनेगा ये, ठीक है। और उसके बाद 4 से लेके 5 नंबर पर जो रैंकिंग एजेंसी होगी उसको मिलेगा 50 लाख का, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, नीचे आ जाएं, 6 से लेके 20 तक जो एजेंसी होगी उसको मिलेगा यहाँ पे 35 लाख का रिवार्ड। ये हो गए एजेंसी वीकली रैंकिंग बोनस, ठीक है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमने हाउ टू कलेक्ट एजेंसी लेवल बोनस, ठीक है, ये कि हमने एजेंसी लेवल बोनस कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको देखना होगा कि उसकी एजेंसी किस में है, तो यहाँ पे लास्ट वीक पे उसको क्लिक करना होगा और यहाँ पे रैंकिंग रिवार्ड, जो रैंक रिवार्ड लिखा हुआ है वहां पे आके उसको यहाँ पे कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद द रिवार्ड ऑफ लास्ट वीक कैन बी कलेक्टेड दिस वीक, ठीक है, दिस वीक प्लीज कलेक्ट रिवार्ड बिफोर टाइम आउट। आपको टाइम आउट होने के पहले पहले आपको अपना रिवार्ड जो है वो कलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज द बोनस विल एक्सपायर्ड, यानी कि आपका जो बोनस होगा वो आपका यहां से खत्म हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाई यू शुड इन्वेस्ट ऑन एजेंसी लेवल अपग्रेड ब्रॉन्ज, आप अपनी एजेंसी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं, उसको ब्रॉन्ज में करने के लिए कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं आयरन एजेंसी, अपग्रेड बोनस जो होगा वो $10 होगा, ठीक है। लोएस्ट रैंकिंग बोनस जो होगा वो भी $10 होगा। उसके बाद हाईएस्ट रैंकिंग बोनस मिलेगा आपको $40 का, ठीक है। रिक्वायर्ड लाइव स्ट्रीमिंग होस्टर्स 5 होने चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड फीमेल होस्टेस इनकम 0, तो इसमें आपको लोएस्ट रिटर्न मिलेगा $20 का, हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा आपको $50 का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ब्रॉन्ज एजेंसी की बात करें तो ब्रॉन्ज एजेंसी में आपको $40 का यहाँ पे अपग्रेड बोनस रिवार्ड मिलेगा और लोएस्ट रैंकिंग बोनस जो होगा वो भी आपको $40 मिलेगा। उसके बाद हाईएस्ट रैंकिंग बोनस जो होगा वो आपको $100 मिलेगा। इसके लिए रिक्वायर्ड लाइव स्ट्रीमिंग होस्टर्स जो होंगे वो आपको यहाँ पे 10 चाहिए होंगे, ठीक है। और इसके बाद रिक्वायर्ड फीमेल होस्टर्स इनकम जो होनी चाहिए, फीमेल होस्टों की इनकम जो होनी चाहिए वो $100 की होनी चाहिए। लोएस्ट रिटर्न जो एजेंसी को मिलेगा वो मिलेगा $80 का, ठीक है। और हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा $140 का, एजेंसी को बैक मिल जाएगा। और अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिल्वर की, सिल्वर पे अपग्रेड बोनस आपको $100 मिलेगा और लोएस्ट रैंकिंग बोनस जो होगा वो भी $100 आपको मिलेगा। और उसके बाद होस्ट रैंकिंग बोनस आपको $350 मिलेगा। इसके बाद रिक्वायर्ड लाइव स्ट्रीमिंग होस्टर्स आपके पास यहाँ पे 20 होने चाहिए। और देन इसके बाद रिक्वायर्ड फीमेल होस्टर्स इनकम, फीमेल होस्टों की इनकम यहाँ से $500 होनी चाहिए और एजेंसी को लोएस्ट रिटर्न $200 मिलेगा और हाईएस्ट रिटर्न यानी कि जो ज्यादा आपको मिलेगा वो मिलेगा $450, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएं गोल्डन एजेंसी की बात करते हैं। गोल्डन एजेंसी में आपको $350 का अपग्रेड बोनस मिल जाता है। उसके बाद लोएस्ट रैंकिंग बोनस जो आपको मिलेगा वो भी 350 होगा। हाईएस्ट रैंकिंग बोनस आपको यहाँ पे $1,500 का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड लाइव स्ट्रीमिंग होस्टर्स आपके पास 30 होने चाहिए।
यानी कि फीमेल होस्ट आपके पास 30 होने चाहिए और रिक्वायर्ड फीमेल होस्टेस इनकम यहाँ पे 3,000 होनी चाहिए, ठीक है 3,000। और उसके बाद लोएस्ट रिटर्न मिलेगा $700 का और हाईएस्ट रैंक जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा $1,850 का। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे उन्होंने मिसाल भी एक दी है, व्हेन यू अपग्रेड टू आयरन एट लीस्ट यू कोड गेट 20x रिटर्न, इफ यू अपग्रेड टू गोल्डन देन एट लीस्ट यू कोड गेट $700 रिटर्न एंड हाईएस्ट गेट 1500 + 350 इज इक्वल टू $1,850। ठीक है, जब आपकी एजेंसी जो है वो अपग्रेड करती है आयरन में एंड आप ज्यादा जो एटलीस्ट आप कम से कम यहाँ पे जो करेंगे कोड गेट आप $20 का आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आपकी एजेंसी अपग्रेड करती है गोल्डन एजेंसी में तो आप यहां से ले सकते हैं $700 आपको मिलेगा रिटर्न और हाईएस्ट आपको मिलेगा यहां पे $1,500 + $350 यानी टोटल आपको मिलेगा यहां पे $1,850। ठीक है, ये आपको रिटर्न मिल जाएगा। यहां पे देखिए नंबर 6 पे बात करें, व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन एजेंसी लेवल अप बोनस, आप अपनी एजेंसी का लेवल अप बोनस करने के लिए क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐड 5 वीडियो स्ट्रीमिंग होस्टेस, दे आर लाइव 4 डेज एंड 12 आवर्स इन अ वीक। ठीक है, उनको जो है एक हफ्ते के अंदर 4 दिन लाजमी लाइव आना होगा और उसके बाद उनको 12 घंटे कंप्लीट करने होंगे। और नंबर 2 पे आता है यू विल गेट एट लीस्ट $55 बोनस, एजेंसी अपग्रेड टू आयरन बोनस 10x प्लस 10x, इनविटेशन बोनस 7x, फिक्स्ड पे फॉर वन न्यू होस्ट इन द फर्स्ट वीक, नो टारगेट। ठीक है, होस्ट को कोई टारगेट नहीं करना पड़ेगा और वो जो यहां से अर्न यहां पे अपना फिक्स सैलरी $7 का यहां पे ले लेगी। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पे करें यू आर अर्निंग, एजेंसी अर्निंग जो होगी 20+7 × 5+ आयरन रैंकिंग रिवार्ड, ये आपकी एजेंसी रैंकिंग होगी। इनवाइटेड एजेंसीज कमीशन पॉलिसी, ठीक है आप जब एजेंसी किसी को इनवाइट करते हैं तो उसकी क्या पॉलिसी, आपको क्या क्या उसमें कैसे कैसे अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 ए इनवाइटेड एजेंसी, यू आर कमीशन फ्रॉम A1 इज इक्वल IA, उसके बाद होस्ट बेसिक इनकम मल्टीप्लाइड बाय यूअर कमीशन रेट इज इक्वल माइनस ए IA कमीशन रेट। ठीक है, इसके बाद यहां पे आ जाए एजेंसी ए इनवाइटेड BC, बी इनवाइटेड D, शो द होस्ट इनकम अंडर ओन एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे एजेंसी ए करती है अगर 30 मिलियन का वर्क, ठीक है इसने 30 मिलियन किया, एजेंसी बी करती है 20 मिलियन, एजेंसी बी का फिर 20 मिलियन होगा, इसने इनवाइट किया इन दो को और इनमें से एक ने इनवाइट किया एजेंसी डी को जिसने किया 5 मिलियन। ठीक है, 5 मिलियन करने पे यहाँ पे देखिए ए में वैलिड इनकम जो होगी 30 मिलियन + 20 मिलियन + 50 मिलियन + 5 मिलियन टोटल होगी 105 मिलियन। ठीक है, आ कमीशन रेट इज 20% होगा। देन उसके बाद अगर बी वैलिड इनकम की बात करें तो यहाँ पे इक्वल होगा 20 मिलियन + 5 मिलियन इज इक्वल टू 25 मिलियन, बी कमीशन रेट 12% आपको होगा, यानी कि दूसरी बी एजेंसी से आपको जिसको आपने इनवाइट किया उसका कमीशन 12% आपको आएगा। और सी वैलिड इनकम जो होगी उसमें इक्वल 50 मिलियन होगी तो आपका सी कमीशन रेट होगा 16%। ठीक है, और यहां पे आ जाए एजेंसी ए, A1 पे आ जाए कमीशन रेट बी इज इक्वल 25 मिलियन, यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 20% और -12% इज इक्वल 2 मिलियन। ठीक है, ए एजेंसी का कमीशन प्लस 50 मिलियन, 20% -16% यहां पे 2 मिलियन होगा। ठीक है, AI कमीशन ऑल 2 मिलियन + 2 मिलियन + 4 मिलियन, टोटल आपका कमीशन होगा 4 मिलियन। यहाँ पे देखिए इनवाइटेड एजेंसी कमीशन अर्निंग एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर मेन एजेंसी इन योर टीम एंड इनवाइटेड एजेंसी ए बी सी डी ई, आपने इतनी एजेंसीज को इनवाइट किया तो आपका कमीशन कैसे बनता है ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूं मैं। आपकी मेन एजेंसी है ये वाली, ठीक है एजेंसी ए, एजेंसी ए ने यहाँ पे अर्न किया इतना। ठीक है,
यहाँ पे इसने इनवाइट किया, इसने अर्न इतना किया तो कमीशन रेट आपका आ गया यहाँ पे 20%, यानी 100 मिलियन किया तो यहाँ पे इसका आ गया ये 20 मिलियन, और मेन एजेंसी कमीशन रेट आ गया 20%, और मेन एजेंसी गेट कमीशन फ्रॉम इनवाइटेड सब एजेंसी जीरो। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें एजेंसी बी की, तो इसका 9 लाख और 9 जितना भी, ये आप लोग खुद यहाँ पे रीड कर लेना, ठीक है, अभी लंबा साहब हो जाएगा। ये किया, उसके बाद इसका कमीशन रेट आएगा 16%, यानी समथिंग 9-10 मिलियन होगा ये समथिंग, ठीक है, तो इसका 16% आएगा, और इसके बाद मेन एजेंसी कमीशन रेट जो होगा वो 20% होगा, ठीक है, और इसके बाद मेन एजेंसी गेट कमीशन फ्रॉम इनवाइटेड इनवाइटिंग सब एजेंसी को इतना कमीशन यहाँ पे उसको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, 25 लाख समथिंग जो है ये बनता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एजेंसी सी की, तो एजेंसी सी ने जो वर्क किया वो वर्क किया ये, ठीक है, ये वर्क किया इतना उसने सी एजेंसी ने, और इसका कमीशन रेट जो होगा वो होगा 12%, ठीक है, और 12% के बाद मेन एजेंसी कमीशन रेट जो होगा वो 20% होगा, और आपकी जो इनवाइट की गई एजेंसी होगी उसको कमीशन इतना आएगा समथिंग 19 लाख प्लस समथिंग आपको यहाँ पे ये आएगा। और यहाँ पे अगर बात करें डी लेवल पे आ जाएं, डी लेवल पे जो एजेंसी की इनकम होगी वो इतनी अगर होती है, ठीक है, यानी कि 50 लाख समथिंग, ठीक है, 5 मिलियन, तो इस पे एजेंसी को जो रिवार्ड जो कमीशन रेट होगा वो होगा 8%, ठीक है, और मेन एजेंसी कमीशन रेट होगा 20% यहाँ पे, और इसके बाद जो होगा जो मेन एजेंसी गेट कमीशन फ्रॉम इनवाइटिंग सब एजेंसी, ठीक है, जो जिसने इनवाइट किया उसको जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा ये समथिंग 4,80,000 समथिंग जो मे भी ये बनता है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाए अगर बात करें ई पे, तो इसने किया यहाँ पे 1 मिलियन का, ठीक है, 1 मिलियन पे कमीशन रेट होता है 4%, और देन इसके बाद यहाँ पे मेन एजेंसी का जो कमीशन होगा वो होगा 20%, और उसके बाद मेन एजेंसी गेट कमीशन फ्रॉम इनवाइटिंग सब एजेंसी, तो इसका जो कमीशन इसको मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा यहाँ पे 1,59,999 समथिंग जो ये मिलेगा। ये कमीशन है इनवाइटेड एजेंसी के। न्यू होस्ट फ्री टारगेट अगर इसकी बात की जाए, तो यहाँ पे हम देखते हैं न्यू फीमेल होस्ट बोनस, ठीक है, यहाँ पे जो न्यू फीमेल होस्ट होगी अगर वो लाइव करती है, यहाँ पे लाइव रूम में 2 टाइप के यहाँ पे टास्क करने होते हैं, एक होता है लाइव रूम में 2 घंटे करने होते हैं तो होस्ट को लाइव बोनस मिलेगा 9,000 का, और इसके बाद चैट रूम में 2 घंटे करेगी तो इसको मिलेगा 1,000 का, और टोटल ये बनेगा इसका टोटल 10,000 बनेगा, ठीक है। हु बिकम अ फीमेल होस्ट विद इन 7 डेज फॉर द फर्स्ट टाइम, जो भी लड़की फर्स्ट टाइम ये ज्वाइन करेगी, ठीक है, यहाँ पे टका होस्ट लाइव हॉर्ली बोनस, ठीक है, टका लाइव के जो हर घंटे में जो रैंकिंग पे आएंगे उनके जो रिवार्ड्स होंगे वो उनकी लिस्ट भी यहाँ पे मौजूद है। तो हम यहाँ पे नीचे चले जाते हैं सबसे नीचे, यहाँ पे के लेवल पे, यहाँ पे के लेवल पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर होस्ट की इनकम जीरो होती है तो उसको यहाँ पे 100 बीन्स मिलता है हॉर्ली रिवार्ड का, हॉर्ली यानी, ठीक है, 2 घंटे करने पे 200 बीन्स मिलेंगे फीमेल लाइव होस्टेस, ठीक है। उसके बाद जे लेवल की अगर बात करें, यहाँ पे जे लेवल पे आ जाएं, तो यहाँ पे अगर होस्ट की इनकम होती है 30,000, ठीक है, 30K, तो होस्ट को मिलता है हॉर्ली रिवार्ड 1,000 और 2 घंटे के 2,000 उसको यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद आई पे आ जाएं, तो अगर होस्ट की इनकम 1,50,000 होती है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे जो रिवार्ड मिलते हैं वो मिलता है 3,000 हॉर्ली रिवार्ड, ठीक है, यानी टोटल बनेगा 6,000 रिवार्ड। और एच लेवल पे अगर बात करें, एच लेवल पे जो अगर लड़की की इनकम जो होगी होस्ट की वो होगी 3 लाख, तो उसको जो हॉर्ली रिवार्ड मिलेगा वो मिलेगा 5,000 पर होवर, यानी 2 घंटे का 10,000। और इसके बाद अगर जी लेवल पे बात करें, तो यहाँ पे अगर 9 लाख उसकी इनकम होती है, लड़की की इनकम 9 लाख होती है, तो इस पे मिलेगा उसको 9,000 पर होवर, 3 होवर आ डे, एक दिन में उसको 3 घंटे लाइव करना होगा। और अगर उसकी लड़की की इनकम 12 लाख होती है समथिंग, तो उसको मिलेगा 12,000 पर होवर और
3 hours a day, 3 घंटे उसको एक दिन में करने होंगे। और ई लेवल पे अगर आ जाएं, यहाँ पे बात करते हैं, ई लेवल पे 20,000 कॉइंस का बीन्स का रिवार्ड मिलता है होस्ट, फीमेल होस्ट को, और इस पे उसकी अर्निंग होनी चाहिए 20 लाख की। ठीक है, उसके बाद डी लेवल पे आ जाएं, डी लेवल पे होस्ट को रिवार्ड मिलता है 30,000 का, और इसमें भी उसको एक दिन में 3 घंटे वैलिड करने होते हैं, और इस पे भी जो है उसको एक दिन में 3 घंटे वैलिड करने होते हैं, और इसके लिए उसकी इनकम होनी चाहिए 40 लाख, और 45,000 रिवार्ड मिलेगा, 3 घंटे लाइव करने होंगे एक दिन में, और उसको इनकम जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 70 लाख। ठीक है, और यहाँ पे जो है अगर आ जाए यहाँ पे 60,000, उस 60,000 फीमेल होस्ट को रिवार्ड मिलेगा, यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों का, वाइस होस्टेस मेल एंड फीमेल होस्टेस दोनों का, दोनों के ये रिवार्ड हैं जी लेवल से लेके ऊपर ऊपर, और जी लेवल से नीचे जो है ये फीमेल होस्ट के लिए हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे 60,000 जो मिलेगा रिवार्ड वो मिलेगा 100, यानी कि 1 करोड़ का रिवार्ड, 1 करोड़ की इनकम होनी चाहिए, और 60,000 उसको रिवार्ड मिलेगा एक दिन में, उसको 3 घंटे करने होंगे लाजमी लाइव, लाइव करे या ऑडियो में, कोई इसकी मुश्किल नहीं है। और 80,000 हॉली रिवार्ड मिलेगा, 4 घंटे करने होंगे एक दिन में, और इसके लिए उसकी होनी चाहिए 2 करोड़ 20 लाख इनकम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो एस लेवल आ जाता है, सबसे आखिर वाला जो लेवल है, इसमें मिलेगा 1,50,000 डेली का रिवार्ड मिलेगा, 4 घंटे एक दिन में करने होंगे, 1 घंटे का 1,50,000, और उसको करने होंगे अर्निंग इन द पास्ट 7 डेज, और 7 दिनों की जो उसकी अर्निंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए इतनी, यानी के 5 करोड़ समथिंग। ठीक है, 5 करोड़ उसकी अर्निंग होनी चाहिए। और ये देखिए, अगर हम यहां पे आ जाए, नंबर वन, व्हेन यू आर नॉट अ न्यू होस्ट वी ऑफर हॉर्ली बोनस बाय योर लास्ट 7 डेज इनकम, एस एंड ए लेवल विल काउंट 4 hours लाइव ड्यूरेशन, मेल एंड फीमेल कैन ज्वाइन। यहाँ पे जो है लड़के हैं लड़कियां वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पुराने होस्ट जो ओल्ड होस्ट हैं, ऑडियो एंड वीडियो लाइव टाइम बोथ आर काउंटेड, ऑडियो पे करें चाहे वीडियो पे करें, आके सेंडिंग करें और इतने वार्ड उठाएं और चले जाएं। और सी टू जी लेवल होस्ट विल काउंट 4 hours लाइव ड्यूरेशन। ठीक है, उसका लाइव का जो होगा वो होगा उस पर 4 घंटे उसको करने होंगे, मेल एंड फीमेल कैन ज्वाइन, ऑडियो एंड वीडियो लाइव टाइम बोथ आर काउंटेड, दोनों टाइम उसके लिए काउंट होंगे ऑडियो में भी और वीडियो में भी। और यहाँ पे 4H2K लेवल होस्टेस विल काउंट 2 hours लाइव ड्यूरेशन, ओनली नीड फीमेल कैन ज्वाइन, ओनली काउंट वीडियो लाइव। ठीक है, जी लेवल यहाँ पे H से लेके K तक जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए होगा। और यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे टका का कन्वर्जेशन जो रूल्स हैं वो है, 10,000 बीन्स होंगे तो इज इक्वल होगा $1 के, और 1 मिलियन बीन्स होंगे तो वो मिलेगा $100, और 100 मिलियन होगा तो ये मिलेगा यहाँ पे 10,000 प्लस और इक्वल जो है, 10,000 प्लस डॉलर इक्वल 10 KS। ठीक है, और रिचार्ज रेट ऑफलाइन कॉइन्स 1S 10,000, यानी $1 के 10,000 कॉइन्स यहाँ पे ऑफलाइन मिलेंगे। टका बीन्स कन्वर्जेशन टू ऑफलाइन कॉइन्स, 1 बीन इज इक्वल टू 1 ऑफलाइन कॉइन्स। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर दे, अब बता दे मुझे तो, ताकि मैं उसके लिए उस पर भी वीडियो बना दूं और सबको पता चल जाए, सब अच्छे से सब चीजें समझ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।